नमस्कार, टीवीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। जोधपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए कलेक्ट्रेट से वाहनों को रवाना किया गया। आपको बता दें कि वाहनों को संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जीवन राम भाकर उप निदेशक कृषि जोधपुर ने बताया कि फसल बर्बाद होने से कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने और किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हुई फसलों को मुआवजा देना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बुआई के 10 दिन के अंदर किसान को PMFBY में आवेदन करना होगा। बीमा का लाभ तभी मिलेगा जब फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब हुई हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जोधपुर जिले के अंतर्गत पीपली जनरली इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड है। ये कंपनी अभी प्रचार प्रसार करेगी पूरे एक महीने तक, जो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर ऋणी बीमा करवाएं। जिले के अंदर नौ फसल है खरीद के जिसका बीमा किया जाएगा। चूरू के सरदार शहर में डॉक्टर्स डे के अवसर पर लॉयंस क्लब सरदार सर डायमंड ने डॉक्टर्स को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया। आपको बता दें कि राजकीय चिकित्सालय ताल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी रीना छिंपा मुख्य अतिथि व CI सतीश यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान डॉक्टरों को सम्मान पत्र भेंट किया व डॉक्टरों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वहीं SDM ने कहा कि डॉक्टर्स डे मनाने का सही अर्थ तभी है जब आम आदमी डॉक्टर को सम्मान दे, जिन्होंने कोरोना काल में दिन रात एक करके आमजन की सेवा की है। अध्यक्ष अनिल गोयल ने कहा कि हम डॉक्टर्स को सम्मानित करके अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। कोविड के दो फेज हमने देखे और दोनों ही फेजेस में इन्होंने अपनी आम ड्यूटी के अलावा कोविड में प्रत्येक डॉक्टर ने जीवन जो चिकित्सा क्षेत्र के जो भी कार्य थे उन्होंने बहुत ही जीत के साथ बहुत ही अच्छी भावना के साथ काम किया, जिसकी वजह से बहुत कम समय के बाद हम संक्रमण से बाहर आ पाए हैं। और अभी वैक्सीनेशन में भी डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं। तो मैं आज डॉक्टर्स डे के दिवस उपलक्ष्य में खबर अलवर से है, जहां अलवर शहर अरावली विहार थाना पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने आए बदमाशों को पकड़ा है। गौरतलब है कि पुलिस को एक दिन पहले ही सूचना मिली कि दिल्ली नंबर की कार में दो बदमाश हैं जो अलवर आए हैं, उनके पास हथियार भी हैं। वहीं सूचना के आधार पर अरावली विहार पुलिस व DST टीम ने अलवर शहर में मेगा हाईवे पर मजार के पास इन दोनों युवकों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से 12 बोर और 315 बोर के दो शॉर्ट गन बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों बदमाशों से गहनता से पूछताछ कर रही है। हमारे SP साहब माननीय तेजस्वी सिंह गौतम द्वारा चलाए जा रहे अभियान अवैध हथियार रखने और परिवहन करने वालों के विरुद्ध के संदर्भ में कार्रवाई की गई थी, जिसमें DST टीम ने कल 30 से 21 को शाम को देवखेड़ा मजार के पास एक दिल्ली नंबर की कार को सूचना के आधार पर रोक के चेक किया, जिसमें दो पूर्णा शॉर्ट गन मुलजिमों से बरामद किया गया और दिल्ली नंबर की कार थी जिसे जब्त की गई है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद उपखंड में अरनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विश्व डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में एक दिवसीय दिव्यांग कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये कैंप जिला कलेक्टर रेणु जयपाल के आदेश व CMHO विष्णुदयाल मीणा के निर्देशन में आयोजित किया गया। अरनोद ब्लॉक CMHO चंद्रशेखर वर्मा ने बताया कि कैंप में ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों का चयन कर उन्हें सरकारी निर्देशानुसार 73 प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और उनकी विकलांगता के परसेंटेज के आधार पर उनको लाभ आवंटित किया गया है। अरनोद पे आज विकलांगता कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ से ऑप्थेल्मोलॉजी, ENT, ऑर्थोपेडिक एंड मानसिक रोग के डॉक्टरों की टीम बनाई गई, जो एक दिवसीय कैंप के लिए यहाँ अरनोद CSC पे आई हुई। जितने भी दिव्यांग आए हैं उनके सर्टिफिकेट और उनका परसेंटेज देके उनका सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है ऑनलाइन, और उनको राज्य सरकार से जो भी सुविधा प्राप्त होनी है उसके लिए उनको बताया जा रहा है। खबर नागौर से है, जहां डॉक्टर्स डे पर चिकित्सकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कोरोना काल में अपने प्राणों की चिंता किए बिना आमजन की रक्षा में जुटे चिकित्सकों का भाजपा किसान मोर्चा नागौर शहर ने सम्मान किया है। वहीं ये कार्यक्रम अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में आयोजित किया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी का आभार व्यक्त किया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TPV न्यूज़।